हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पिज्जा बेस की रेसिपी। इसे आप फ्रिज करके भी रख सकते हैं और जब पिज्ज़ा बनानी हो तो निकाल के टॉपिंग लगाकर बेक कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ कप गुनगुना पानी लिया है, उसमें ऐड किया है 2 + 1/4 TSP इंस्टेंट ड्राई ईस्ट और फिर 2 छोटी चम्मच चीनी ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। फिर 5 से 10 मिनट के लिए ढककर फर्मेंट होने के लिए साइड में रख देंगे। अब जब ये फर्मेंट हो जाए तब इसमें ऐड करेंगे 1 + 1/2 TSP नमक, 1 TSP विनेगर, 3 टेबलस्पून ऑलिव या कोई भी वेजिटेबल ऑयल और 1 कप और गुनगुना पानी और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब 4 कप मैदा को छान लेंगे और इस बनाए हुए मिक्सर को उसमें डालकर 8 से 10 मिनट गूंथते हुए एक सॉफ्ट इलास्टिक डो रेडी करेंगे और मैदा के साथ 1/4 कप मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये डो 4.25 कप मैदा में रेडी हो गया है। स्टेप बाय स्टेप डो बनाने की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। पिज़्ज़ा का डो जितना लचीला और सॉफ्ट होगा पिज़्ज़ा उतना ही अच्छा और सॉफ्ट बनेगा। अब डो को अच्छी तरह से टक कर लेंगे और ऑयल लगा के किसी गर्म जगह पे 1.5 से 2 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए ढक कर रख देंगे। अब देखिए डो कितनी अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। अब इसे प्रेस करके या पंच करके सारे एयर पॉकेट्स को ख़त्म कर देंगे। मैंने डो को 4 इक्वल साइज में डिवाइड कर लिया है। अब इसको रोल कर ले या हाथ से शेप दे दे। मैंने इसे रोल करने के लिए मक्के का आटा यूज़ किया है, आप चाहे तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। रोल करने के बाद इसे प्रिक कर लेंगे। प्रिक करने से एयर अच्छी तरह से सर्कुलेट होगी और पिज्ज़ा नीचे से सौगी नहीं होगी। अब बेकिंग ट्रे में ऑयल लगाकर इसे उसके ऊपर रख देंगे। अब डो पर भी ऑयल लगाकर आप प्री बेक कर सकते हैं, मतलब कि बगैर टॉपिंग के हम इसे बेक करके फ्रीज कर लेंगे। पिज़्ज़ा बनाना हो तो निकाल कर काउंटर टॉप पे रख दे और जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब टॉपिंग लगाकर आप बेक कर सकते हैं। इसे प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 6 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। ये एक कच्ची पक्की सी डो होगी। अब आपकी डो प्रिजर्व हो गई है, अब जब चाहे तब इसे टॉपिंग लगाकर बेक कर ले। तो देखिए कितनी सॉफ्ट और परफेक्ट बेस रेडी हो गई है। इसे आप ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल इट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।